लेट्स डू क्वेश्चन नंबर नंबर ऑफ एक्सरसाइज दैट इज इज क्वेश्चन बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इन टू रेक्टेंगल फाइन देअ एरियाज एंड द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर हमें इनके एरियाज निकाल लें और ये जो वैल्यूज दे रखी हैं वो हमारी सेंटीमीटर्स में दे रखी हैं ये कह रहा है वो तो कैसे निकालेंगे देखिए सबसे पहले हम इसको रेक्टेंगल्स की फॉर्म में कर लेते हैं कैसे करेंगे तो देखिए हम इसको बड़ी कर लेते हैं और इसमें रेक्टेंगल्स बना लेते हैं ये एक रेक्टेंगल बन गया इसी तरीके से हमने ये रेक्टेंगल्स बना लिए ये रेक्टेंगल कितने रेक्टेंगल्स बन गए हैं एक ये रेक्टेंगल बन गया है एक ये रेक्टेंगल बन गया है अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इन टू रेक्टेंगल हमें रेक्टेंगल ही बनाना है तो हम इसको एक रेक्टेंगल और बना देंगे राइट तो ये हमारा थर्ड रेक्टेंगल बन गया ये हमारा फोर्थ right? तो रेक्टेंगल बन गया राइट और ये हमारा फिफ्थ रेक्टेंगल बन गया तो देखिए ये पांच रेक्टेंगल बन गए, राइट अब हमें इसकी साइड्स निकालनी पड़ेंगी कि साइड्स कितनी कितनी आएंगी तो अगर आप देखेंगे देखिए ध्यान से समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है देखिए अगर ये थ्री है तो ये भी थ्री होगा क्योंकि यहीं से ही सेम स्टार्ट हो रहा है तो ये आ गया हमारा थ्री और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर होगी ये ध्यान रखिएगा अब यहां ये पूरा फोर है और यहां तक का थ्री आ गया तो ये कितना बच गया वन देखिए ये पूरा थ्री है और इतना टू है तो जितना ये है उतना ही यहाँ से यहाँ तक का है तो ये कितना हो गया टू तो ये आ गया हमारा टू तो जब ये पूरा थ्री था और इतना टू है तो ये कितना बज गया वन तो ये आ गया वन अब ये वन आ गया तो ये भी वन होगा तो ये भी कितना हो गया वन अब देखिए ये पूरा फोर था राइट और ये टू है यहाँ अब देखिए ये टू है तो इसके यहाँ साइड वाला भी टू होगा तो ये आ गया टू अब इसी तरीके से ये पूरा थ्री है तो ये भी कितना हो गया थ्री तो ये आ गया थ्री यहाँ से यहाँ तक का और टू आ गया यहाँ से यहाँ तक का अब ये भी थ्री हो जाएगा और ये आ जाएगा वन तो अब देखिए ये पूरा कितना आ गया ये वन ये टू ये वन तो टोटल कितना हो गया टू प्लस टू इज़ फोर तो ये आ गया हमारा फोर आप देखिए अब ये टोटल हमारा कितना दिया हुआ था फोर और ये वन है तो यहाँ से यहाँ तक का तो थ्री था और यहाँ तक का वन है तो ये कितना आ गया टू राइट right. फिर से बता रही हूँ ये टोटल थ्री था उसमें से ये वन हो गया तो ये कितना बज गया यहाँ से यहाँ तक का यह इतनी फिगर आ रही है यहाँ से यहाँ तक का थ्री था ठीक है और इतना पार्ट वन है तो ये कितना बच गया टू तो हमने ये लिख दिया यहाँ से यहाँ तक का टू है और ये पूरा फोर था तो इतना पोर्शन टू है तो ये बचा हुआ कितना हो गया टू तो ये आ गया हमारा टू अब ये टू है तो ये भी कितना हो जाएगा टू राइट right? अब इसके अंदर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख देती हूँ जिससे कि हम इजली एरिया निकाल सकें ये फर्स्ट रेक्टेंगल है ये सेकंड रेक्टेंगल है ये थर्ड रेक्टेंगल है ये फोर्थ रेक्टेंगल है और ये फिफ्थ रेक्टेंगल है अब मैं एक एक रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगी अब मैं एक एक रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगी तो देखिए फर्स्ट फिगर के लिए ए पार्ट के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट और एरिया होता है लेंथ इन टू ब्रेथ तो अब ये फर्स्ट था लेंथ थी इसकी फोर और ब्रेथ थी टू तो लेंथ थी फोर और ब्रेथ थी टू अगर आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक की भी फोर देख सकते हैं और ये टू देख सकते हैं राइट ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ इसलिए दोबारा नहीं बता रही हूँ तो ये कितना आ जाएगा फोर टू 8। और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में थी और एरिए की यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर अब मैं एरिया निकालूंगी सेकेंड रेक्टेंगल का इसकी ये देखिए ये वाला पोर्शन वन है यहां पे भी वन है और ये वाली लेंथ हमारी थ्री है ये भी थ्री है राइट right? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकेंड जो कितना होगा फिर से लेंथ इन टू ब्रेथ होगा अब लेंथ थी हमारी थ्री और ब्रेथ थी वन अभी अभी मैंने दिखाया तो ये कितना आ गया थ्री और क्योंकि यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर अब मैं थर्ड रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल थर्ड तो ये कैसे निकलेगा देखिए अगर आप इस रेक्टेंगल को देखेंगे तो ये लेंथ थ्री है और ये ब्रेथ वन है तो लेंथ इन ब्रेथ होता है तो लेंथ थी थ्री और ब्रेथ था वन तो ये कितना आ गया थ्री और ये स्क्वायर यूनिट होती है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर अब मैं फोर्थ रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल फोर्थ राइट स्टार्टिंग का जो मैंने बताया था कैसे कैसे मैंने अपनी साइड्स निकाली हैं प्लीज़ वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको ध्यान से देखिएगा अगर आप वो मिस कर गए तो पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा हो सकता है आपको दो तीन बार देखना पड़े और पॉज कर करके देखना पड़े तो प्लीज़ पॉज कर करके देखिएगा अब फोर्थ रेक्टेंगल में लेंथ है थ्री और ब्रेथ है टू तो लेंथ इन टू ब्रेथ लेंथ है थ्री और ब्रेथ है टू तो ये कितना हो गया थ्री टू जो सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर अब मैं फिफ्थ रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल फिफ्थ तो देखिए फिफ्थ रेक्टेंगल में ब्रेथ है टू और लेंथ है फोर ये फोर थी तो यहाँ पे भी देखिए वन टू थ्री फोर ये फोर ही आ रही है तो लेंथ टू ब्रेथ लेंथ थी फोर और ब्रेथ थी टू तो ये कितने आ गई? एट सेंटीमीटर स्क्वायर अब हमें इस पूरी फिगर का एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे सारे एरियाज ऐड कर देंगे एरिया ऑफ फुल फिगर, फुल फिगर सबके एरिया ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ फोर्थ रेक्टेंगल एंड प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ रेक्टेंगल अब फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया कितना आया था तो देखिए फर्स्ट रेक्टेंगल का आया था एट और सेकेंड रेक्टेंगल का आया था थ्री राइट एट एंड थ्री थर्ड रेक्टेंगल का एरिया अब कितना आया था अब देखिए थर्ड रेक्टेंगल का एरिया थ्री फोर्थ का सिक्स एंड फिफ्थ का एट तो थ्री सिक्स एंड एट तो ये कितना आ जाएगा टोटल और यूनिट कितनी थी सेंटीमीटर स्क्वायर तो इनको ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि एक बार ही यूनिट लिखी हुई है अब ये कितना हो एट प्लस थ्री इज इलेवन इलेवन प्लस इज ट्वेंटी ट्वेंटी एट तो ट्वेंटी एट सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारी इस पूरी फिगर का एरिया आंसर अब इसी तरीके से हम सेकेंड फिगर का एरिया निकालेंगे तो अब फिर से देखिए अब हमें रेक्टेंगल्स बनाने हैं फिर से सेकेंड फिगर में तो अब देखिए ये एक रेक्टेंगल बन गया ये एक रेक्टेंगल बन गया राइट right? तो ये हो गया अब हमारे कितने रेक्टेंगल्स बन गए अगर आप देखेंगे ये फर्स्ट रेक्टेंगल है ये सेकेंड रेक्टेंगल है और ये हमारा थर्ड रेक्टेंगल है यहाँ पे लिख देती हूँ ये फर्स्ट है ये सेकेंड है और ये थर्ड है अब देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की टू है तो यहाँ से यहाँ तक की भी क्या हुई टू ही हुई तो ये आ गई हमारी टू अब ये वाली वन है तो ये भी हमारी कितनी हुई वन ही हुई सेंटीमीटर तो ये आ गई वन राइट अब आप देखिए ये वन है तो ये भी कितनी हो गई वन तो ये आ गई वन अब ये पूरी फाइव थी उसमें से इतनी वन है तो ये बची हुई कितनी हुई फोर फिर से बता रही हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की फाइव थी ये पूरी फाइव थी और इतना पार्ट वन हो गया तो ये बचा हुआ कितना हो गया फोर तो हमने यहाँ लिख दिया ये यहाँ से यहाँ तक का है फोर और आप देखेंगे यहाँ पे भी थ्री प्लस वन फोर ही आ रहा है आप देखिए ये पूरा थ्री था और यहाँ तक का टू है राइट ये पूरा थ्री था और यहां तक का टू है तो ये बचा हुआ कितना हो गया वन तो हमने यहां लिख दिया ये आ गया वन राइट right? अब हम सेकेंड पार्ट का आराम से तीनों रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल सकते हैं तो बी पार्ट का अब मैं सबसे पहले फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया निकाल रही हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट अब एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ इन टू ब्रेथ होता है तो लेंथ क्या है इसमें थ्री और ब्रेथ कितनी है वन तो ये आ गया थ्री इंटू वन तो ये कितनी आ गई थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि सेंटीमीटर था और एरिया स्क्वायर यूनिट होता है राइट right? अब हम सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकेंड फिर से लेंथ इन टू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का एरिया अब लेंथ कितनी है इस रेक्टेंगल की फोर और ब्रेथ है वन तो फोर इन टू वन तो ये कितना आ गया फोर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया अब इसी तरीके से इस थर्ड रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल थर्ड फिर से लेंथ ब्रेथ राइट अब लेंथ कितनी है टू और ब्रेथ कितनी है वन तो टू इंटू वन तो टू आ गई टू सेंटीमीटर स्क्वायर अब हमें फुल फिगर का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ फुल फिगर कितना आ जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया था थ्री सेकेंड का था फोर और थर्ड का था टू सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया अब ये कितना आ जाएगा तो टोटल एरिया कितना आ गया हमारा टोटल एरिया आ गया थ्री प्लस फोर इज सेवन एट नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर